पोल जो आया है, क्या अनुमान लगा रहे हैं आप लोग पूरे बिहार में? आप लोग भी अपना सोच रख रहे होंगे। देखिए, जो भी एग्जिट पोल हम लोग देख रहे हैं और हम लोग जो अपना एनालिसिस कर रहे हैं, कि दोनों में काफी डिफरेंसेस है। जो लोगों का, बिहार के लोगों का सोच है और जो मतदाता ने अपना वोट कास्ट किया है, ये एग्जिट पोल हम कह सकते हैं कि बिल्कुल उसके विपरीत है। इसका हम उदाहरण भी दे सकते हैं। देखिए, हम सारा एग्जिट पोल का हम मतलब क्लोजली हम उसको देख रहे थे, वाच कर रहे हैं और समीक्षा भी अपने आंतरिक मन में कर रहे थे। तो कुछ कुछ तो हम देख रहे थे कि क्लोज मुकाबला दिखा रहे हैं, मतलब काफी संख्या में जो न्यूज चैनल वाले हैं वो क्लोज मुकाबला दिखा रहे हैं और कुछ लोग जो है एज दे रहे हैं महागठबंधन को। तो हम समझते हैं कि ये जो सर्वे वाले, अभी देखिए जो आज तक का हम देख रहे थे, वो बता रहे थे कि हमारे जो है ये जो भी एनालिसिस करने वाले हैं प्रदीप जी, वो 63,000 सैंपलिंग का मतलब एक लार्ज अमाउंट ऑफ मतलब ये वोटर से वो लोग टच साइड किए हैं। तो 63,000 इसका मतलब कि 243 विधानसभा में, यानी कि एक विधानसभा में 250 या मोर देन 250, 250 से ज्यादा लोगों से उन्होंने जाकर उनका विचार जानने का प्रयास किया। और इन सभी प्रोसेस में उनको करीब करीब 2 महीने का समय लगा, जैसा कि आज तक वाले बता रहे थे। तो जरा आप कल्पना कीजिए कि आज 9 तारीख है, 9 चुनाव जो हुआ है 28 अक्टूबर को हुआ है, तो 28 अक्टूबर और इधर 9 दिन, तो कहने का मतलब कि करीब करीब वोटिंग से 1.5 महीना पौने 2 महीना पहले जो पब्लिक का सोच है, क्या वोट डालने के समय का सोच से मेल खाता है क्या? हम नहीं समझते हैं। देखिए, वोटरों का रुझान ठीक है, मन में एक बनाए हुए रहते हैं, एक संकल्प लिए हुए रहते हैं, लेकिन कहा जाता है कि इलेक्शन वाली रात को बहुत सारे वोटर का झुकाव एक सही विकल्प की ओर होता है। तो यहाँ पर एक भारी इनका जो है गलत है। दूसरा बात, हम न्यूज पेपर में भी पढ़ रहे थे, एक दैनिक भास्कर का भी चल रहा है व्हाट्सएप पे कि नहीं एनडीए को जो है उसमें पूर्ण बहुमत की ओर दिखा रहा है। तो ये जो दैनिक भास्कर होता है ना, जो तमाम प्रिंट मीडिया के लोग, हम समझते हैं कि जो वो टेलीविजन वाले हैं उनसे ज्यादा इन पे विश्वास किया जा सकता है। आपके हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से हम लोग पूर्ण बहुमत, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन बिल्कुल पूर्ण बहुमत की ओर जा रही है और पूर्ण बहुमत से 5 साल तक संतुलित एवं सुरक्षित सरकार बिहार को देने जा रहे हैं। जहानाबाद में देखिए, जहानाबाद अगर ईमानदारी से पूछते हैं तो जहानाबाद की विधानसभा सीट पर अभी बहुत सारे लोग अपना आंख तरेर रहे हैं, लेकिन मेरा निजी रूप से विचार अभी भी ये उल्टा है कि जहानाबाद की जनता का भरपूर समर्थन एनडीए को मिला है। जहानाबाद में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताएं। हाँ, आप घोसी की भी बात करें, घोसी पर भी इफ बट कुछ भी नहीं है, घोसी में भी एनडीए को ही। और रही बात मखदुमपुर का, तो मखदुमपुर का एकमात्र सीट है, जब आप क्लोजली वॉच करेंगे तो कोई भी बड़ी राजनीतिक हस्ती इन्होंने यहाँ पर आकर प्रचार प्रसार नहीं करने का काम किया है। आप पूछिए कि तब आप लोगों के मन में क्या इसके लिए है, तो जहां मखदुमपुर की जनता, एक एक जनता ने चुनाव लड़ने का काम किया है, और जो एनडीए नेतृत्व, नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह, मतलब तमाम जो एनडीए के घटक दल के नेता हैं, शीर्ष नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी ने जो एक जातीय समीकरण बनाया, मखदुमपुर ने पूरी तरह से उसको अमली जाना बनाने का काम हम तमाम कार्यकर्ता लोग, एनडीए के कार्यकर्ता मखदुमपुर में करने का काम किया। और इसी का परिणाम है कि अति पिछड़ा, दलित, महादलित, सवर्ण, माने तमाम वोटर एकजुट होकर और सही वोटिंग किए हैं, इसका आप ले सकते हैं जाके ओपिनियन भी। और ये जो तमाम एग्जिट पोल है उस पर एक बात से और भी प्रश्न चिन्ह लगता है कि आप बताइए जरा कि क्या आपका मीडिया तंत्र क्या किसी अति पिछड़ा के पास जाकर ओपिनियन लेने का काम किया है क्या? किसी दलित महादलित के पास जाकर ओपिनियन लेने का काम किया है क्या? दूसरी बात, अगर अति पिछड़ा समाज या जिनको हम लोग जिन कहते हैं, याद है लालू जी जिन निकालते थे, हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए भी इस बार जिन निकालने का काम करेंगे। जिन किसको कहते हैं? जिन उनको कहते हैं जो साइलेंट वोटर होते हैं, वोट करेंगे आम को और बताएंगे डर से इमली, वोट करेंगे कड़ाही में बता देंगे लालटेन, वोट करेंगे कमल को बता देंगे तीर लालटेन, वोट करेंगे तीर को, मतलब वो साइलेंट होते हैं, वो सिर्फ अपना वोट से चोट करना जानते हैं। और महागठबंधन के
अधिकतर उनका आक्रोश साफ दिख रहा था उन दबे कुचलों लोगों में, लेकिन वो बोलेंगे नहीं, वो वोट से निश्चित रूप से चोट किया। एग्जिट पोल आपके हिसाब से ठीक नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम 10 तारीख को पूर्ण समर्थन के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। जहानाबाद के तीनों विधानसभा क्षेत्र में एक भी महागठबंधन नहीं, महागठबंधन के यहाँ के लिए जहानाबाद विधानसभा में जगह नहीं है। पोल पर मेरा यही अनुमान है कि एग्जिट पोल सही, मुझको सही नहीं लग रहे हैं, क्योंकि जो दरबे कुचले लोग, गरीब तबके के लोग हैं, वो अपना मत किसी को बताते नहीं हैं, क्योंकि वो किसी विशेष जाति के द्वारा यहाँ काफ़ी प्रताड़ित होते हैं, इसीलिए वो अपना ओपिनियन देते नहीं हैं सही से। और जहाँ तक बात हो रही है परिवर्तन की, तो नीतीश जी के खिलाफ इस तरह का कोई एंटी कम्बेंसी नहीं था बिहार में, जिस तरह के लोग बता रहे हैं। और युवा जो कह रहे हैं कि रोजगार, वो तेजस्वी जी का जो सिगुफा है रोजगार वाला, वो हमको चलता दिखाई नहीं दे रहा है। नीतीश कुमार ने इस क्षेत्र का काफ़ी विकास किया है, सभी युवा उन्हीं के साथ हैं, मुझको जहाँ तक लगता है, मेरा ओपिनियन जो अपना पर्सनल ओपिनियन यही है। जहानाबाद तीनों विधानसभा क्षेत्र के बारे देखिए, मेरा तो जहानाबाद तीनों विधानसभा के बारे में यही कहना है कि घोसी और मखदुमपुर तो हम जीतेंगे, कन्फर्म है, लेकिन थोड़ा सा जहानाबाद जो टाउन का सीट है उस पर सस्पिशन है। और मखदुमपुर, हम ये तीनों विधानसभा में मखदुमपुर सबसे ज़्यादा सीट वोट से जीतेंगे, ये कन्फर्म है। कि आप यहाँ पे हमारे पास कोई स्टार प्रचारक इंडिया के पास नहीं होते हुए भी, सारे समाज के लोग, मांझी समाज के लोग, स्वर्ण समाज के लोग, दलित, पिछड़ा, दबे कुचले लोग, और मांझी और मुकेश साहनी के आने से भी जो हमारे मलाह जाति के वोटर हैं, वो एकजुट होकर यहाँ पर वोट किए हैं, और बहुत भारी संख्या में हम यहाँ से जीतेंगे, ये कन्फर्म है।